हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। राधे राधे, मेरा नाम है दीपा और हम आ रखे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम आ रखे हैं निगराली गांव में, और देखिए गांव आ रखे हैं। और आज बना रही हूँ मैं मैंगो शेक। ये बनाना मैंने रखा अपने खाने के लिए, और मैं बना रही हूँ भी मैंगो शेक। और यहाँ इतनी मक्खियाँ हो रही हैं, सही में नहीं आ रहे कि मैंगो शेक कैसे बनाओ। इतनी मक्खियाँ, इन मक्खियों ने बहुत परेशान कर रखा भैया मेरे को। तो मेरे गाँव में तो हर जगह बहुत ज़्यादा मक्खियाँ मक्खियाँ हैं। मक्खी चींटी इतनी नहीं, इतनी मक्खियाँ चीटी इतनी नहीं है। बस एक मेरा कैमरे में घूमने में लग रखी है चीटी। और यहाँ देखो कितनी मक्खियाँ, जितनी भगाते जाओ उतनी और आते जा रही है, भगाते जा रही हो आते जा रही हैं। चलिए अब बनाते हैं। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंगो शेक बनाते हैं। बर्फ बोला था, बर्फ तो मिल रही है, ठंडा पानी डाल के बनाएंगे ठंडा ठंडा मैंगो शेक, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी थोड़ी ना दिन के टाइम में गर्मी हो रही है। चलो चलते हैं बनाते हैं मैंगो शेक। ऐसी जगह देखते हैं जहाँ मक्खियाँ नहीं हो रखी, पर ऐसी जगह तो कहीं है ही नहीं। बाहर पे मक्खियाँ आ रही है, अंदर भी मक्खी आ रही है। चलो चलते हैं। उधर हम लोग आउट हो गए। ये ले मैंगो खाने। हाँ मैं इसे कर दी, मेरे को भी दो। ले अम्मा ठंडा पानी डाल। अम्मा तो हम ठंडा ठंडा पानी लेने डाले तरह। भाई बच्चे गांव आ रखे, तो उनकी पढ़ाई कुछ नहीं हो रही थी, घूमना हो रहा था। इतना इतनी तेज धूप लग रही है, उसमें जा रखे बाहर पे। ये अब मार खा के बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। देखो कितना मार खा के किताब पढ़ने बैठे हैं। ये इसने मार खा के इतना काम करा है, पढ़ लिखा है। और इसने मार खा के कितना लिखा अभी तक वो देखते हैं। हाँ नहीं लिखा होगा फिर मार खाएगा ये लड़का। राइटिंग जरा ढंग की बना ले, स्कूल में भी चाहिए राइटिंग। इसे मैम ने बोला था राइटिंग की प्रैक्टिस कराना, तो फिर राइटिंग बुक क्यों नहीं डाले? और एक भी गांव का प्रोजेक्ट भी नहीं बनवाया एक भी। हाँ नहीं तो प्रोजेक्ट तो बन जाएगा बेटा, तू अपना प्रोजेक्ट बना ले पहले, राइटिंग में ध्यान दे पहले। राइटिंग के भी नंबर मिलते हैं स्कूल में। एक तो मार भी दिया फिर भी वीडियो 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 बनाते जा रही हो। फ्रेंड देखो कितनी तेज धूप लग रही है बाहर पे है। और ये सर इतनी तेज़ी दर्द कर रहा है ना तेज धूप में। और ये दोनों यहाँ अभी तक लग रहे थे बाहर पे खेलने में। मैंने दोनों को बुलाया, कहना नहीं माने थे बिल्कुल, इधर उधर दौड़ने लगे। मैंने चलो अब भाई पढ़ो किताब पढ़ो, किताब पढ़ने बैठा ला तब जाके थोड़ा शांति से बैठे। रुद्र की पॉइंट एंड किताब, यू फोकस यूर लर्न। भाई यहाँ लास्ट वार्निंग नहीं चलती है मेरे उसमें, नहीं चलती है लास्ट वार्निंग मेरे। फर्स्ट और लास्ट एक ही वार्ड होते सीधे, फर्स्ट में ही जितना सुन लिया सुन लिया, नहीं सुना तो फिर पिटे पटापट फिर पढ़नी शुरू होती है। ये मैं ही क्या हर माँ करती हैं। अगर आप भी ऐसे करते हो कमेंट में बता देना मुझे। और फ्रेंड आप लोग की भी गर्मी की छुट्टी पड़ गई होगी बच्चों की, आप लोग भी गाँव आ गए हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस गाँव से मुझे देख रहे हैं। भाई बच्चों की भलाई के लिए करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों की। अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, धूप में खेलने क्या नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, पिटेंगे। ये कौन सी भलाई है मारने की? लास्ट वार्निंग भी होती है उसमें, भलाई दे दो कि तुम्हारी भलाई है कि अंदर आ जाओ। अच्छा बाबूजी इन्हें पढ़ा के फिर थोड़ी देर में मिलते हैं हम आपको। हिम्मत की बात है जो गाँव में लोग रह रहे हैं ना, स्टे कर रहे हैं, बहुत हिम्मत वाले लोग हैं यार। क्योंकि इतने रात के टाइम में वो लोग अपने वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम भी ये नहीं होता कि घर के अंदर ही बने। अब तो जो नए टाइप के घर बन गए हैं उनमें बने हुए हैं अंदर, और जो पुराने टाइप के घर हैं ना उनमें बाहर बना हुआ कहीं और। जैसे हमारा ये है हमारा घर पुराने ज़माने का, और नीचे हमारा वॉशरूम है, तो हमें जाना पड़ता है नीचे बाहर घूम के जाना पड़ता है हमें नीचे। तो नीचे कभी बाघ का डर रहता है, कभी भूतों का डर रहता है, किस कितनी चीज़ों की डर हो जाती है। पर फिर भी भाई दिल है हिंदुस्तानी, हम नहीं डरते किसी से, हम फिर भी जाते हैं बाहर ही।
और रात को लोबा बोलते हैं 9 बजे के टाइम में 8 बजे के टाइम में कि बर्तन बर्तन नहीं धोने, रहने दो सुबह धोएंगे। माँ बोलते हैं नहीं भाई हम तो रात को ही धोऊंगी मैं तो, जब आगा चाहे कुछ आए देखा जाएगा जो आएगा। पहले फ्रेंड क्या था ना, मैं पहले इस घर में अकेले रहने में डरती थी कि कहीं यहाँ से कोई आ ना जाए, ऊपर से कोई आ ना जाए, इधर से ना जाए। अब मैं पूरे गेट वेट बंद करके भी अकेले रह लेती हूँ, मुझे नहीं लगती डर गाँव में। पहले लगती थी डर, अब दीपा डरना छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया डरना हरना, क्योंकि यार डरना इंसान किससे है, कुछ नहीं है दुनिया में। भगवान है तो भूत भी है, सही है, रक्षा करने वाले भगवान है ही, पितृ हमारे यहाँ है ही, सारे बूज हमारे यहाँ बैठ रखे हैं, हमारी रक्षा करेंगे, अम्मा रक्षा करेंगी। ये गेट कौन खुल के आ गया, डर नहीं लग रही है बोल रही हूँ, गेट खुल के और आ गए ऊपर का, अकलमंद इंसान बच्चे मेरे, ऊपर का गेट खुल के आ रखे हैं, मेरे को बंद करने जाना पड़ेगा ऊपर का गेट। तो कुछ नहीं लगना डरना हन्ना, आओ गांव में घूमो फिरो ऐश करो और काफल खाओ, हमने काफल खाए हैं। ये हेल्पर बेकार है, हर काम मेरे को बता रहे हैं पापा जी। फिर हमारे घर में नए घर में लगा रहे हैं पर्दे के लिए एंगल, और एक हेल्पर ही बैठे थे यहाँ पे। कौन सा एंगल लग रहा है भाई? पर्दे लटकाने वाला एंगल, क्लैंप कहते हो? क्लैंप लग रहा है। लो इधर उड़ रहा था, देख सही है। हेल्पर को बैठने की पहले घर की है, शिफ्ट शिफ्ट बैठ जाओ, ये देखो क्या हो रहा है। हेल्पर साहब काम करो, बाहर बताओ ना कितना काम हो गया, हेल्पर साहब क्या काम करना है, काम करो काम। ये हमारा पानी नहीं है, खत्म हो गया पानी, ये बंद कर दिया बाल, बाल बंद कर दिया। फ्रेंड अभी हमारा ना थोड़ा बहुत कलर ना बचा है, वाइट पेंट हमारा हो चुका है। यहाँ मंदिर के लिए महाराज जी मेरे से बोले तुम लग जाना यहाँ पे पेंट करने, मैंने कहा नहीं भैया थोड़ा क्यों काम कर रखा है। और हमारे इनमें भी हो गई है पेंट ग्रिलों में, ये देखिए, और जालियाँ भी लग चुकी हैं, दरवाजे हमारे लग चुके हैं, और अब थोड़ा सफाई करनी है हमने, कल लगी है सफाई, हम कर लिए परसों, दो दिन लगना पड़ेगा, एक ही दिन से नहीं होगा सफाई हमारी, दो दिन हम सफाई करेंगे यहाँ पर, तो ये कमरा साफ होगा। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी लाइटें हैं, इतनी प्यारी प्यारी लाइटें लग रही हैं यहाँ पे, और ये देखो यहाँ से अच्छा सा व्यू भी दिखता है, जाली लग गई ना दिखता रहा होगा, ये देखा मैं प्यार लग रहा है। और मैं यहाँ की लाइटें दिखाती हूँ आप लोग को, ये हमारा है हॉल, आई तो मैं आपको बाद में पूरा दिखाऊँगी, बाहर से एंट्री करते हुए दिखाऊँगी पूरा, एकदम ऐसी लाइटें दिखा रही है, बंद करेंगे फिर दूसरी लाइटें देंगे, कलर चेंज होते जाएगा। और ये हमारा है किचन, ओपन किचन, जिसकी सफाई हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, दो दिन बाद करेंगे। अभी हमारे दरवाजे में पेंट बचा हुआ है इन दरवाजों में, और ये हमारी है अभी बन रहा है, जिसमें जाएगा बाथरूम का और किचन का पानी। पीछे साइड हमारा बन चुका है लाइटिंग वाला गटर, अब इस साइड हमारा बन रहा है ये उसका रही है, जिसमें किचन का पानी जाएगा और बाथरूम का नहाने का पानी जाएगा, क्योंकि हम उसी में एक ही में नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो वॉशरूम के जो जर्म्स होते हैं वो नहीं तो मर जाते उसमें से, ये बोला गया है, ऐसा होता भी है कि साबुन वाबुन के पानी से मर जाते हैं, तो हमसे हमारी खाद क्या बनती, कुछ नहीं बन पाती। और ये हमने थोड़ा बहुत ये अजय ने और मम्मी जी लोगों ने यहाँ गमले लटका दिया बाहर से, देखो, और वाइट पेंट होके हमारे घर बहुत अच्छा लग रहा है। बाद में मैं आपको पूरा दिखलाऊँगी फाइनल लुक, जिस दिन हमारी पूजा होगी ना उस दिन मैं पूरा दिखलाऊंगी आप लोग को। अभी थोड़ा बहुत काम अभी हमारा बचा हुआ है, ये देखिए यहाँ ये गार्डन है जो हमारा, यहाँ की मिट्टी हटनी है अभी, ये पत्थर अभी तो चिड़ेंगे, ये पत्थर जो रखे हुए हैं ऐसी दीवार चिड़ने के लिए रखी गई है, ये पत्थर यहाँ पे, ये देखिए, और इधर भी गमले की तो प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ हटेगी। ये पूरा फाइनल बन जाएगा ना, लुक फिर आएगा। और ये देखिए जीना में भी रख दिए फूल, और जीना में वाइट पेंट हो चुका है, ऊपर चलते हैं ठंडी ठंडी हवा सुनने।
मेरे से ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे लग रहा है ये जीना में। यहाँ बैठो आराम से और बाहर का व्यू देखो, ठंडी ठंडी हवा लो आराम से मज़े से। पापा जी लोग लगे नीचे पर्दे लगाने के लिए, पर्दे लगाने के लिए, पर्दे लगाने की तैयारी कर रहे हैं नीचे पे। और वाइट पेंट हमारा हो चुका है और थोड़ा ग्रिलों में इनमें पेंट हो चुका है, थोड़ी बहुत जो बचा है वो करेंगे बाद में। और मैं जाती हूँ छत में, अभी छत भी बहुत गंदी होगी, घर पूरा गंदा हो रखा है, पूरी चीज़ें सफाई हो जाएगी और पूजा पाठ होगी ना उस दिन आपको दिखेगा। सफाई करते हुए भी दिखलाऊंगी कितनी मेहनत लगती है सफाई करने में, जैसे घर बनने में मेहनत लगती है वैसे सफाई करने में भी मेहनत लगती है। और ये देखो यह है छत, यहाँ से पूरा गांव दिखता है मेरा, ये देखो। और अभी लोग वहाँ जा रखे हैं खेतों में मिर्चों के गोड़ाई करने में लगे हैं बेचारे, ये देखो पानी दे रहे हैं गोड़ने में लगे हैं। देखिए तनु रोद रहे हैं, जाओ भैया को बुलाने गए। अच्छा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? और उदी यहाँ आजा, हवा अच्छी चल रही है। गौरव भैया अपने घर में होंगे, ये उड़ रहे हैं गौरव भैया जो हमारे संग दिल्ली से आए हैं गांव को अपने दादा दादी के संग टाइम स्पेंड करने के लिए, उनको ढूंढने वाले हैं अपने संग खेलने के लिए। तन्नू रुद्र कुत्ता है वहाँ पे, कुत्ता देख के गया। अच्छा ये देखो यहाँ मुर्गियाँ पल रही हैं, ये दाना चल रही है नीचे पे। और ये दो चौकीदार हैं, एक दिल्ली से आ रहे हैं गाँव से। रोद्र गिरी ले रहे हैं बेटा, लग जाएगी आप लोग को इनमें। ये देख रहे पास हम लोग छुप सकते हैं, सन 40 तक की गिनती में आ जाइयो। चलो तू गिनना उसे गिनना। हां हां मम्मी चलो ये सीख ले।